फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एम सी क्यू में देखिए आज की इस वीडियो में जो है हम एक क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है आपका फार्मेसी लेक्चरार का क्वेश्चन पेपर है हरियाणा का ठीक है तो मैंने देखिए इसके दो पार्ट अपलोड किए थे फिफ्टीन फिफ्टीन क्वेश्चन के आई थिंक हम ठीक है तो इस वीडियो में जो है इसमें जो हंड्रेड क्वेश्चन हैं हम सारे के सारे क्वेश्चन के ही आंसर देखेंगे और इसके आंसर जो है मैं आपको इसकी जो आंसर की है एज पर आंसर की आप लोगों को आंसर बताऊंगी ठीक है आप लोगों ने अगर ये एग्जाम दिया है तो आप लोग अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ठीक है ठीके? और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स इसमें बन रहे हैं क्योंकि जो इसके आंसर्स हैं आपको एज पर आंसर की मैं आपको बताने वाली हूँ ओके okay, स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं आप जल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना बेल को प्रेस करना ताकि जो वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके ओके ये जो एग्जाम है ट्वेल्थ ऑफ जून को हुआ है ओके okay, अभी तो, रिसेंटली एग्जाम हुआ ये देखिए क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है सिंपलेस्ट फिनॉल्स आर लिक्विड्स और लो मेल्टिंग सॉलिड्स एंड हैव हाई बाउलिंग पॉइंट ड्यू टू ओके इसके हम देखेंगे क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर ओके okay, तो इसके ऑप्शन आप लोग देख लीजिए इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आयर स्पेक्टर ऑफ इंपल शोज अब्जॉर्बन फ्रिक्वेंसी एट सेवेंटीन फोर्टी सेंटीमीटर इनवर्स एंड थर्टी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ओके तो आपको ये जो एब्जॉर्बन फ्रिक्वेंसी दी हुई है तो आपको बताना है कि ये कौन से फंक्शनल ग्रुप से हैं एक तरीके से ओके okay? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कार्बोनाइल ग्रुप के लिए होगा सेवेंटीन फोटी सेंटीमीटर इनवर्स है ये किसके लिए कार्बनइल ग्रुप के लिए और फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए थर्टी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स ओके क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है आई पी एस नेम ऑफ पैरासीटामोल पैरासीटामोल जो होता है पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव होता है इसका आई पी एस नेम इसमें पूछा हुआ है तो पैरासीटामोल का जो आई पी एस नेम होता है ये ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिड अमाइड ओके okay? क्वेश्चन फोर है मै द कॉमन डेवलपिंग रियजेंट इन टी एल सी विधायर टू आइडेंटिफाई ठीक है टी एल सी में आपको एक तरफ डेवलपिंग डिवेलपिंग रि एजेंट्स एक तरफ ग्रुप्स दिए हुए हैं तो आपको ये मैच करना है कौन सा इसमें राइट होगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसका जो है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फर्स्ट जो है आर्डिन वेपर यूज करते हैं किसके लिए ऑर्गेनिक बेस के लिए फर्स्ट का क्यू सेकेंड का आर वन पर्सन इन हाइड्रिन किसके लिए यूज करेंगे आपको पता है अमीनो एसिड के लिए होता है नीन हाइड्रीन टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन जो है ये करेंगे एल्डिहाइड्स के लिए और ड्रैगन ड्रोफ आपको पता ही एल्कलोइड्स के लिए होता है ओके तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन देखिए फाइव है इफ फाइव पॉइंट सिक्स ग्राम के ओ एच हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्ड इन डिस्टिल्ड वाटर एंड द वॉल्यूम इज मेड अप टू हंड्रेड एम एल विद वाटर वी गेट ऑप्शन देख लीजिए आप लोग इसके तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा वन एंड वन मतलब नॉर्मल सोल्यूशन ओके क्वेश्चन नेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्यूशन ऑफ सोलवेंट्स ओके ऑप्शन देख लीजिए इसके ठीक है तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एल्यूशन ऑफ सोलवेंट्स मतलब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो सबसे लास्ट में आपका इसमें एसिटोनाइट्रल इस आएगा उससे पहले एसिटोन उससे पहले टोल्यून और सबसे लास्ट में है ये साइक्लोहेक्सेन ठीक है तो इसको आप देख लेना ऑप्शन डी है इसका नेक्स्ट हाउ मनी एल्डोहेक्स आर पॉसिबल इफ देयर आर फोर कायरल सेंटर्स इन द कंपाउंड ठीक है कंपाउंड में चार कायरल सेंटर तो कितने एल्डो हैग्जोज पॉसिबल है ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्सटीन जो है इसके एल्डोहेक्स पॉसिबल है नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर पॉइंट वन मोलार सोल्यूशन ऑफ एस सी एल एस सी एल का पॉइंट वन एम सोल्यूशन प्रिपेयर करने तो कैसे प्रिपेयर करेंगे ऑप्शन देख लीजिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा डायल्यूट

अभी देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या है मैसीेशन इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ड एंड टफ ड्रग मैसेशन इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एक्सपेंसिव ड्रग मैसीेशन इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम गमी सब्सटेंस एफ परकुलेशन यूज फॉर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हार्ड एंड टफ ड्रग ठीक है तो देखिए आपका इसमें कौन सा है इसमें आपको बताना क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है आपको ये चार स्टेटमेंट्स मिले हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू करेक्ट है या फिर फर्स्ट एंड टू मतलब इनकरेक्ट है या फर्स्ट एंड टू करेक्ट है या थ्री एंड फोर का इनकरेक्ट है या सारी की सारी करेक्ट है ठीक है तो ये क्वेश्चन वैसे हमने देख भी लिया था तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा स्टेटमेंट वन और टू क्या है इनकरेक्ट है ठीक है क्योंकि मैसी दोनों क्या है इसमें करेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हमें फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट फर्स्ट एंड टू आर इनकरेक्ट ओके तो यही सही लिखा हुआ है क्योंकि जो मैसीरेशन होता है वो हार्ड एंड टफ ड्रग के लिए यूज नहीं करते हार्ड एंड टफ ड्रग के लिए परकोलेशन यूज करते हैं ओके और एक्सपेंसिव ड्रग के लिए भी परकोलेशन यूज होता है ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसका हो जाएगा आपका जो ये है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ओके क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ इज ए मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ एंड इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ तो ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए ऑप्शन बी जिलेटन के लिए पढ़ते हैं हम लोग

क्वेश्चन है सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम बीसीएस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है चार ऑप्शन है ऑप्शन देख लीजिए तो इसमें जो करेक्ट दिया हुआ है आपको ऑप्शन बी मिला है लो सॉलिबिलिटी क्लास टू में क्या होता है सोलिबिलिटी लो होती है परमेबिलिटी हाई होती है और इसमें एग्जिबिट रिजोल्यूशन रेट लिमिटेड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा आपका ओके सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट द स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट फॉर द फाइटो कॉन्स्टुट फ्रॉम द फॉलोइंग ओके ये आपको आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं और ये टेस्ट दिए हुए हैं फार्माकोग्नोसी के सिंपल टेस्ट पे क्वेश्चन है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ठीक है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा देखिए म्यूरिकाइड टेस्ट आपको पता है कैफिन के लिए होता है बोन ट्रेगा टेस्ट आपको पता है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपको रीन दिया हुआ है फ्रोथ फॉर्मेशन आपको पता है मेयर्स टेस्ट आपका एट्रोपिन हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट है एटीन इफ पॉइंट एट एम एल ओ वोलेटाइल ऑयल इज आइसोलेटेड पर वेट हो जाएगा ओके क्वेश्चन देखिए आपका है नाइनटीन क्वेश्चन ऑफ क्रूड ड्रग शोज नो रिएक्शन इन बोन ट्रेगर टेस्ट एंड पिंक कलरेशन इन मॉडिफाइड बोन ट्रेगर टेस्ट दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ ठीक है तो मॉडिफाइड बोन ट्रेगर टेस्ट आप लोग किसके लिए पढ़ते हैं आपको पता ही है सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए पढ़ते हैं एंथर क्विनोन सी ग्लाइकोसाइड्स ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज द डी आर डोज रिस्पांस कर वो फोर ड्रग ए बी सी डी चार ड्रग्स के डी आपको दिए हुए हैं ए बी सी और डी ठीक है विच ड्रग इज मोस्ट पोटेंट कौन सी ड्रग सबसे ज्यादा पोटेंट है तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था ठीक है तो इसका देखिए आपको ऑप्शन डी हो जाएगा ड्रग डी जो है जो डी ड्रग है ये क्या है मोस्ट पोटेंट है एंड लेस देन ड्रग ए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा विच रूट फॉर रेगुलर फॉर्मुलेशन कैन नॉट बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ओरल रूट हो जाएगा क्वेश्चन ट्वेंटी टू है इसमें ट्वेंटी टू में दिया है इफ ए पर्सन हैज़ हैड कोरोना वायरस इन्फेक्शन हैज इम्यूनिटी दिस इज नॉन एज इसको क्या बोलेंगे नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे ओके क्वेश्चन देखें ट्वेंटी थ्री हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग टू हैव ठीक है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो ड्रग क्या होगी इसका प्रोलोंग एक्शन होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस इंसुलिन सिक्रेशन इंसुलिन के सिक्रेशन को कौन सी ड्रग एनहेंस करती है तो आपके ये ऑप्शन ए में दिया ग्ली में जो है जो आपके सल्फोनाल यूरियाज में आती है तो ये इंसुलिन के सिक्रेशन को एनहेंस करते हैं नेक्स्ट बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जी तो जी कौन सा नहीं है तो इसमें इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है ठीक है इनका सी uh, टी है ये कोई इट इज़ नॉट अ जी एम ओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक है तो इसमें इसका आंसर दिया ऑप्शन डी दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है जो शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है उसमें इनमें से कौन सा नहीं है तो साइनो नहीं होगा ऑप्शन आपका ए राइट right हो जाएगा ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है बाय विच मैथड कैन द फॉलोइंग बी स्टरलाइज इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ठीक है तो स्टरलाइजेशन के ऊपर दिया हुआ है कि किसके लिए कौन सी स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज करेंगे देखिए लेबोरेटरी के लिए क्या यूज़ करेंगे फ्यूमिगेशन यूज़ करेंगे ठीक है तो इसका आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा ठीक है फर्स्ट का ऐसा आएगा लैबोरेटरी के लिए फ्यूमिगेशन हो गया सेकेंड का आ रहा है एंजाइम सॉल्यूशन के लिए माइक्रोपोर फिल्टरेशन ग्रोथ मीडिया के लिए हमने देखा था कौन सा मोइस हिट देखा था ग्लास वेयर के लिए ड्राई हिस्टिलइजेशन यूज करते हैं आपको पता ही है ऑप्शन बी राइट हो गया नेक्स्ट है विच इज रिगार्डेड एज द हु इज रिगार्डेड द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है आपने बताना है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कैरोले एरिके जो है ये क्या है फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओके okay? क्वेश्चन है ट्वेंटी नाइन फोर इन विट्रो कल्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ओके तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपने बताना है कौन सा है माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप कॉपर पढ़ते हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कॉपर होता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस ठीक है आपको देखिए एविडेंस की रिलायबिलिटी के इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है ठीक है करेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस ठीक है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसको ऑप्शन बी दिया हुआ इन्होंने ठीक है तो केस रिपोर्ट रेंडामाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल रेंडामाइज्ड डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल फिर मेटा एनालिसिस ओके ऑप्शन बी इसमें राइट दिया हुआ है इसका क्वेश्चन देखिए थर्टी वन है इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल कंटेन रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल्स देखते ही मैं आपको हमेशा बताती हूँ शेड्यूल वाई आपने टिक करना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा शेड्यूल वाई क्वेश्चन देखिए थर्टी टू देखिए द सीक्वेंस फॉर फार्माको विजिलेंस में भी समराइज्ड बाय ठीक है फार्माको विजिलेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए दिया हुआ है डिटेक्शन ऑफ एडवर्स इवेंट ठीक है फिर क्या करेंगे सेपरेटिंग सिग्नल फ्रॉम नॉइज फिर सिग्नल असेसमेंट होगा फिर रिकमेंडेशन फॉर एक्शन फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है तो इसमें इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन तो ये सिंपल क्वेश्चन okay. है ऑप्शन बी हो जाएगा नाइनटीन ओके नेक्स्ट है द मीन एंड मोड ऑफ ये मीन और मोड निकालना है फोर टू फोर थ्री टू टू सिक्स सेवन ठीक है तो इनका क्या निकालना है मीन और मोड़ निकालना है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव तो मीन हो जाएगा टू क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा ओके ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट uh, है फुल फॉर्म पूछिए सी पी सी एस ई ए की ठीक है तो इसकी फुल फॉर्म जो होगी वो हो जाएगी कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स ओके नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन इंडिपेंडेंट इंडियन सिंपल आईपी का फर्स्ट एडिशन आपसे पूछा है ऑप्शन सी हो जाएगा नाइनटीन फिफ्टी फाइव बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट आपसे न्यूमेरिकल है देखिए ये ह्यूमन प्लाज्मा कंटेन अबाउट फाइव मिली कुलर पर लीटर ऑफ कैल्शियम आयन हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट ठीक है कैल्शियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट का फॉर्मुला दिया हुआ है सी ए सी एल टू वेट दिया वन फोर्टी सेवन ग्राम पर मोल आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर हंड्रेड एम एल सॉल्यूशन इक्वल टू कैल्शियम टू ह्यूमन प्लाज्मा ठीक है तो इसका जो आ, है आंसर दिया हुआ है इसमें जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है थर्टी सिक्स पॉइंट सेवन फाइव तो न्यूमेरिकल है आप लोग उसको कैलकुलेट कर लेना क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एनी एस इन कोई भी एस इन एंशियोम उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऑप्शन देख लीजिए तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा इट इज अ मिरर इमेज ऑफ द कोरोस्पॉग आर इन ओके क्वेश्चन देखिए थर्टी नाइन है विच ऑफ द फोलिंग न्यूक्लियोफाइल्स असिस्ट द डी प्रोटेक्शन ऑफ ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर्स ठीक है ठीक है तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा फ्लोराइड नेक्स्ट है इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन वन मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू आयरन ऑफ देखिए ये जो होता है इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सिक्स मोल क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज करैक्टरस्टिक ऑफ तो किस में होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उनमें होता है तो ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है टू बैक्टीरिया मोस्ट यूजफुल इन जेनेटिकल इंजीनियरिंग कौन से दो बैक्टीरिया है जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली यूज होते हैं आपके ऑप्शन डी हो जाएगा एक तो इकोलाई e. होता है एक आपका एगारो बैक्टीरिया होता है ऑप्शन डी हो जाएगा एस एंड अकेरो क्वेश्चन देखिए फोर्टी थ्री देखिए आप लोग इसमें है बिली रूबिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम तो बिली रूबिन होता है किसी सिंथेसाइज होता है तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आर बी सी ओके okay? क्वेश्चन देखिए फोर्टी फोर है द वॉल्यूम एंड कम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लू विद इन नैरो रेंज इज कोल्ड इसको क्या बोलेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा होमियोस्टैसिस बोलते हैं नेक्स्ट इज ऑफ ऑफ द फॉलोइंग एन ड्रग डायरेक्टली रैनिन रैनिन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा है मैं आपको बहुत बार बताती हूँ जो एल कायरन वाली ड्रग होती है ये आपके डायरेक्ट रैनिन इनिबीटर में आती है ऑप्शन सी हो जाएगा एलिस कायरन जो है डायरेक्ट रैनिन इनिबीटर वाली ड्रग है ओके okay? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैडम चैनल ब्लॉकर हैज मोस्ट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है तो इसमें ये ऑप्शन सी हो जाएगा निफेडीपिन क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ड्रग इज एन एनालॉग प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 एनालॉग आपसे पूछा है प्रोस्टाग्लैंडिन ई1 एनालॉग कौन सा है प्रोस्टाग्लैंडिन ई वन एनालोग जो है आपका इसमें हो जाएगा मीसोप्रोस्टोल हो जाएगा ओके तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा मीसोप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ई वन एनालोग होता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटी एमिटिक एजेंट विच इज़ रिलेटेड टू न्यूरोलैप्टिक्स ठीक है ऐसा एंटी एमिटिक एजेंट बताइए जो किस रिलेटेड है न्यूरोलैप्टिक्स से रिलेटेड है ठीक है तो इसका इसमें दिया हुआ है ये हो जाएगा प्रोक्लोपिराजीन जो होता है तो ये किसके जैसा रिलेटेड तो न्यूरोप्ट से रिलेटेड है ठीक है तो इसका ऑप्शन बी दिया हुआ इसमें नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिटिव पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस को इनिबिट करेगी कौन सी ड्रग इनिबिट करेगी तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लोपीरामाइड हो जाएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कार्बामाजिपिन कार्बामाजिपिन जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है देखिए कार्बामाजिपिन एक तो एक बात है, होती है ट्राइजामिन न्यूरोलिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है कार्बामाजिपिन इट कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स ट्राइजामिन न्यूरजन एपिलेप्सी ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा

क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग सेल डज या डू नॉट कंटेन डीएनए तो किस तो किसमें जो है डीएनए प्रेजेंट नहीं होता तो ये हो जाएगा जो मैच्योर आरबीसीज़ होती है उनमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता ऑप्शन सी ऐसे हीमोफीलिया ए अकार ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ विच क्लोटिंग फैक्टर हीमोफीलिया ए जो होता है फैक्टर एट जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स है ठीक है मोस्ट जो मोस्ट ऑफ द ओ होती है ट्रांसपोर्ट होती है किसकी फॉर्म में तो ये बाई हो जाएगा सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट सी जो होते हैं बाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में होती है तो ऑप्शन जो है बी बाई कार्बोनेट्स आपका राइट हो जाएगा फिफ्टी फाइव ड्यूरिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्ब प्रोसेस विच आयन इज रीअबॉर्ब्ड इन एक्सचेंज फॉर सोडियम ठीक है process, sodium, तो ये हो जाएगा आपका पोटाशियम ऑप्शन ए नेक्स्ट ए सिक्रिएटेड बाय किडनी दैट स्टिमुलेट द बोन मैरो एक्टिविटी इज कोल्ड ठीक है कौन सा हॉर्मोन है जो किडनी से सिक्रिएट होता है और क्या स्टीमलेट करता है बोन मैरो एक्टिविटी मैरोक्टिविटीन की बात हो रही है ऑप्शन डी हो जाएगा रिथ्रोपोटी ओके क्वेश्चन देखिए फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन में दिया है लोवरिंग ऑफ विच हॉर्मोन कोज साइकिल तो कौन सा हार्मोन है जिसकी लोवरिंग से क्या होता है मैंट्रेशन होता है आपका प्रोजेस्टीरोन ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नेक्स्ट है चेंज ऑफ ए स्टेट फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड इज नॉन एस ठीक है तो इसका देखिए कुछ बच्चे इसका गलत करिए सब्लिमेशन जल्दी जल्दी में करिए इसका आंसर ठीक है इसका आंसर होगा डिपोजिशन ऑप्शन डी राइट right होगा ठीक है देखिए सब्लिमेशन का रिवर्स जो होता है वो डिपोजिशन होता है ठीक है इसमें पूछा क्या है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड देखिए गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड तो ये आपका होता है डिपोजिशन और सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस की फॉर्मेशन होती है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं ओके तो इसका आंसर होना था ऑप्शन डी डिपोजिशन नेक्स्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कोरस्पोंड्स टू ठीक है वॉटर का ट्रिपल पॉइंट के लिए ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका सिक्स हंड्रेड टेन ये प्रेशर होता है पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है ओके सिक्स हंड्रेड टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है और उसका टेम्परेचर जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन फाइव डिग्री सेल्सियस ओके ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्रिटिकल सरफेस टेंशन लिक्विड इज ऑप्शन ए जीरो होता है ओके नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस टू फ्लो विद इंक्रीज इन रेट ऑफ शीयर इज रेफर टू एज इसको बोलते हैं डायलेटेंसी ऑप्शन ए हो जाएगा डायलेटेंसी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वट विल बी द परसेंटेज एलिमेशन आफ्टर टू बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो जो दो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है उसमें सेवेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट है विच मेक्स एन अनऑब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स विद टेट्रासाइक्लिन तो टेट्रासाइक्लिन के साथ अनऑब्ज्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा डाइकैल्शियम फॉस्फेट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट है द डिस्टिंगटिव साइंस दैट आइडेंटिफाई सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोवाइडेड बाय ए स्पेसिफिक पर्सन और एंटरप्राइज आर नोन एज तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रेडमार्क नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा स्पीच क्वेश्चन देखिए सिक्सटी नाइन सिक्सटी सिक्स है ना सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स देखिए द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ सोल वैंड वन अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पोलैरिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में अरेंज करना ऑप्शन सी हो जाएगा सबसे ज्यादा पोलर होगा वाटर उससे कम मिथेनॉल उससे कम इथास्टेट उससे कम क्लोरोफॉर्म उससे कम टोलिन सबसे कम पोलर हैगजेन ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट है बायोजेनेटिक प्रिकर्सर फॉर इंडोल इंडोल्कोलड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इंडोल का प्रिकर्सर आपको पता है ट्रिप्टोफन होता है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका है ना नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज रिच इन एल्कोहलिक कंपाउंड्स तो अल्कोहलिक कंपाउंड्स में जो रिच है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कोरिएंडर ऑयल फिनाइल आर बायोसिंथेसाइज्ड थ्रू प्रोपर बाय पाथवे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा शिकमिक एसिड पाथवे ओके क्वेश्चन सेवेंटी है सब्सटेंस इज नोन एज सुपर क्रिटिकल फ्लूड वैन इट इज ऑप्शन ए हो जाएगा अब इट्स क्रिटिकल पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नेक्स्ट है फिनोमिना इन विच ड्रग ग्लोक्स एक्शन ऑफ अनदर ड्रग बाई ऑक्यूपाइंग इट्स रिसेप्टर विदाउट एक्टिवेटिंग इसको क्या बोलेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा कॉम्पिटेटिव एंटागोनिज्म नेक्स्ट है विच ऑफ द फोलिंग क्लास ऑफ ड्रग्स आर अप्रूव फॉर सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ मैमरी डिसऑर्डर तो इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपका एसिटाइल कोलाइन इनिबिटर्स यूज करेंगे नेक्स्ट है टू बी गिवन डिजोक्सिन टू ट्रीट सी एच एफ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी क्रिटिकली मॉनिटर्ड बिफोर गिविंग avoid टू toxicity ठीक है तो इसका इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है हाइपोमैग्नीशियमिया ओके क्वेश्चन देखिए सेवेंटी फोर है ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग ड्यू टू कैंसर कीमोथेरापी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम ओके तो इसको क्या देंगे ओंडन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है थायोरिडाजोन वाज वि वर्ल्ड वाइड एज इट को यूज कोर्स ठीक है हार्मोन को विड्रो कर लिया गया क्यों तो ये क्या कोर्स कर रही थी ऑप्शन डी अरिथमिया नेक्स्ट एसोसिएशन एसोसिएशनल एंड प्रोजेक्शन ट्रैक्ट ऑफ एक्स आर फाउंड इन ठीक है तो किस में पाए जाते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सैर वाइट मैटर्स में ओके नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट इन द इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर नोन एज तो इनको क्या बोलेंगे पेयर पैच इज ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन बी हो जाएगा हैंडरसन हैजल इक्वेशन होता है क्वेश्चन देखिए सेवेंटी नाइन है अकॉर्डिंग टू आई पी सब्सटेंस इज कैटेगराइज स्पेरिंगली सोल्यूबल इफ इट्स तो इसमें इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी दिया हुआ थर्टी पार्ट्स आर सोल्यूबल इन हंड्रेड पार्ट्स ऑफ द गिवन सोलेंट ठीक है तो इसका सेवेंटी नाइन का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ठीक है थर्टी पार्ट्स आर सोलिबल इन हंड्रेड पार्ट्स जो सोलिबिलिटी वाले टेबल है ना उसमें से क्वेश्चन आई आइए नेक्स्ट एंटैरिक कोटेड टेबलेट्स कैन बी कोटेड विद तो एंटैरिक पोलीमर आपको पता ही है थैलेट वाले मैंने आपको बहुत बार बताती हूँ कितनी बार कहती हूँ क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एंटैरिक कोटिंग वाला एक तो ड्रग कहाँ रिलीज होती है स्मॉल इंटरस्टाइल में रिलीज होती है पोलीमर कौन सा थैलेट वाले यूज होते हैं ठीक है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ये तो बहुत बार रिपीट होता है नेक्स्ट डिजोल्यूशन रेट टेबलेट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ये वाला भी विटनी इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी जी पैट में ले लीजिए फार्मासिस्ट एग्जाम में ले लीजिए ये हर एग्जाम में रिपीट होता है ऑप्शन डी विटनी इक्वेशन सभी को पता है इसका तो क्वेश्चन देखिए आपका एटीटू नोए नॉन लीनियर फार्मोकोकाइनेटिक कैन बी ड्यू टू देखिए इंडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एक्टिव सिक्वेशन दोनों की वजह से ही नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक हो सकता है तो ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या होगा इसका हो जाएगा बोथ वन एंड टू आर ट्रू ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन देखिए एटी थ्री है Uh, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एच एल बी वैल्यू ऑफ इमल्सिफायर इज इन करेक्ट आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है देखिए ऑप्शन ए ही दिया हुआ इसमें, है इसमें इनकर विद एच एल बी वाटर हैिटी यही इनकरेट दिया हुआ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नेक्स्ट तो, रिवर्सिबल एग्रीगेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ इंटरनल फेज इज नोन एज क्या बोलेंगे इसको फ्लोकुलेशन बोलेंगे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन आयोनिक देखिए और जो होते हैं हैं नॉन आयोनिक में में आते कौन से और तो इसमें आ, आंसर में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पोलियोनोलिएट है ठीक है ये नॉन आयोनिक में आ जाएगा क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है लीकर टेस्ट क्लैरिटी टेस्ट पायरोजन टेस्ट आर द कॉमन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट डन फॉर सिंपल क्वेश्चन है किसके लिए होते हैं पेरेंटल के लिए आप लोग पढ़ते हैं ऑप्शन बी पेरेंटल प्रोडक्ट्स हो जाएगा नेक्स्ट है मेजर सिम्टम्स ऑफ ये क्या है एलर्स डैनलोन्स सिंड्रोम ठीक है ये को सिंड्रोम का नाम दिया हुआ है विच इज ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन जीन फॉर प्रोकोलाजन आर ठीक है तो ये सिंड्रोम है इसके मेजर सिम्टम्स आप लोगों ने बताने हैं तो ये देखिए इसका आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है ओवर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स विच ईजिली गेट डिसलोकेटेड एंड हाईली इलास्टिक स्किन दैट इजिली गेट ओके क्वेश्चन देखिए एट्टी एट फोस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे आर ऑप्शन ए हो जाएगा बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप्स ओके क्वेश्चन एटी नाइन है रिस्के नो आयरन सल्फर प्रोटीन्स आर फाउंड इन तो किस में होती है ये ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो है उसके कौन से कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो ऑप्शन सी है इसमें कॉम्प्लेक्स थ्री क्वेश्चन देखिए नाइन्टी है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ पॉइंट जीरो फाइव Uh, ये क्या है कोल कैल्सीफेरोल इज इक्वल टू ठीक है तो इसका जो है आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी दिया हुआ है ओके टू इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी ओके नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्नेशियस एनीमिया इज ड्यू टू इसका हो जाएगा ऑप्शन है टोरिन ओके क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज साल्टेड आउट फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन इफ ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन डैट ऑफ प्योर वाटर नहीं सर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज इज यूज सिंपल क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा एंटेस्ट हो जाएगा इसका तो क्वेश्चन नाइन्टी फोर देखिए ये है ए मिक्सचर इज हैविंग फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड ठीक है एक मिक्सचर में है ये कंपाउंड दिए हुए ठीक है विच इज द करेक्ट ऑर्डर इफ दीज कंपाउंड आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एड्प्शन टेंडेंसी उन्हें सिलिका कोलम ठीक है एसिडिक एस्टर्स कार्बोनाइल एल्कोहलिक और हाइड्रोकार्बन से दिए हुए हैं ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा ए राइट हो जाएगा ठीक है सबसे पहले एसिड डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ठीक है तो इसमें ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक है और फिर है ये अल्कोहलिक कार्बोनाइल एस्टर्स हाइड्रोकार्बन ठीक है तो ऑप्शन ए इसमें राइट है क्वेश्चन नाइनटी फाइव है लैक फेज एक्सपोनेंशियल फेज डिक्लाइन ग्रोथ फेज एंड स्टेशनरी फेज आर फाउंड इन ऑप्शन ए हो जाएगा सस्पेंशन कल्चर नेक्स्ट टू विजुलाइज डी एन इन जेल इलेक्ट्रोफोरसिस विच डाई इज यूज ऑप्शन सी इथीडियम ब्रोमाइड नेक्स्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आई यूज ड्रग आर कवर्ड अंडर सिंपल क्वेश्चन जीएम पी किसके लिए पूछा है ठीक है जीएमपी जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए आप किसमें पढ़ते शेड्यूल टी में आता है ना जीएमपी के शेड्यूल डी शेड्यूल एम पढ़ते हैं आप लोग लेकिन अगर जी हो किसके लिए आयुर्वेदा सिद्धा यूनानीज के लिए तो शेड्यूल टी हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओके क्वेश्चन है नाइन्टी

क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट ये है मैच द क्लासेस एंड द एल्कलोड गिवन बिलो देखिए एक तरफ आपको क्लास दी है एल्क्ट्स की तरफ एल्लोइड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये है ना तो इसका देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट जो ट्रोपिन एल्कोलोइड्स में क्या आता है स्कोपोलामिन आ जाएगा बिल्कुल सिंपल है सेकेंड इंडोल में कौन सा आ जाएगा इंडोल एल्क्लोड में आप लोग रिजर्व लगा देंगे और उसके बाद क्विनोलिन अल्कलोइड्स में आपका सिंकोनिन आ जाएगा और फिन में आपका कोडिन आ जाएगा बिल्कुल सिंपल है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट है फॉलोइंग स्ट्रक्चर द बेसिक न्यूक्लियस ऑफ देखिए आपको एक स्ट्रक्चर मिला है तो ये, ये किसका स्ट्रक्चर है इसमें बेसिक न्यूक्लियस किसका है देखिए ऑप्शंस है ये तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा फ्लेवा नोन ठीक है ये किटोन है ठीक है ये ठीक है फ्लेवर नोन जो है इसका स्ट्रक्चर है ये ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा ठीक है तो इसमें हमने देख लिया हंड्रेड क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए थे अगर आपका जो फार्मेसी लेक्चरार का किसी भी स्टेट का पेपर है जैसे आपका आप लोग बता रहे थे यूपी में पेपर है आपका तो ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपको पता लग जाता है किस टाइप के क्वेश्चन इसमें फार्मेसी लेक्चरार के एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो इसमें जो क्वेश्चन है मैंने आपको एज पर आंसर की इनकी जो आंसर की रिलीज़ हुई है उसकी बेसिस पे ही आपको आंसर्स हैं कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तीन से चार क्वेश्चंस में वो आप लोग देख लेना और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना ओके तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ओके थैंक यू